बहुमत लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में ठेला गाड़ी मजदूरों ने सिविल लाइन जिला कलेक्ट्रेट पर किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ सरकार से उठाई मांग। आपको बता दें कि लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में ठेला गाड़ी मजदूर चालकों ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़कर बंद किए जा रहे ठेलों को छोड़े जाने की मांग को लेकर आज मंगलवार को सिविल लाइन के जिला कलेक्ट्रेट से मंडलायुक्त कार्यालय तक ठेले गाड़ी वालों ने बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और हाथों में तख्ती लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। ठेला गाड़ी वालों की मांग है कि जैसे कि पूर्व की सरकारों ने गरीबों को ई रिक्शा बैटरी आदि चलाने के लिए निःशुल्क मुहैया कराई थी, उसी तरह हमें भी माल ढोने वाले वाहन निःशुल्क दिए जाएं ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, और जब तक सरकार हमें निःशुल्क वाहन उपलब्ध नहीं कराती तब तक हमारे वाहनों को रोड पर चलने दिया जाए, उनको रोका ना जाए, और जिन वाहनों को प्रशासन द्वारा बंद कर लिए गए हैं उनको छोड़ा जाए। देखिए, आज ये लोकतंत्र बचाओ मोर्चे के बैनर तले ये जो आज प्रदर्शन हो गया है, जिसमें ये बच्चे भी आए हैं, क्योंकि कोरोना काल से ही फैक्ट्रियां बंद होने के कारण रोजगार बंद हो गए, ये सारे लोग बेरोजगार हो गए। इन्होंने अपने परिवार के भरण पोषण हेतु बच्चों के पत्नियों के जेवर बेचे, कर्ज लिया, और कर्ज लेने के बाद में मोटरसाइकिल जुगाड़ बनाए जिससे जो है वजन ढोने का ये काम करते हैं, क्योंकि मुरादाबाद के अंदर कई ऊंचे ऊंचे पुल हैं। पहले पैडल रिक्शा से वजन ढोया जाया करता था जिससे जो है सांसें फूल जाती थीं, कई की मौत हो गई, हार्ट अटैक के रोगी हो गए। उससे बचने के लिए इन्होंने ये मोटरसाइकिल जुगाड़ बनाए थे, लेकिन पुलिस इन पर अत्याचार कर रही है और इनका जो है रोजी रोटी छीन रही है और इनके जो है जुगाड़ बंद कर रही है। इसके खिलाफ आज हमारा धरना प्रदर्शन है। क्या मांगे है? हमारी ये मांगे हैं कि जिस तरह से पूर्व की सरकारों ने निःशुल्क वाहन दिलाए थे, गरीबों को दिए थे, उसी तरह इन गरीबों के लिए भी निःशुल्क वाहन दिलाए जाएं, और जब तक वाहन नहीं दिलाए जाते तब तक ये जुगाड़ हमारी चलाने दिए जाएं। जिन साथियों के हमारे जुगाड़ बंद कर लिए गए हैं उन्हें वापस दिलाएं। अच्छा, इसी मांग को लेकर के आप पूर्व में भी दो तीन बार प्रदर्शन कर चुके हैं? जी हाँ, हम प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का ये प्रशासन गूंगा बहरा हो गया है और हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है।